नमस्कारम, अग्निशा के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में चतुर्थानुपाति क्या होता है, माध्यानुपाति क्या होता है, तृतीयानुपाति क्या होता है, वो आपको सीखने का जो है मौका मिलेगा। तो देखिए, हम लोग जो है इसका प्रूफ के साथ सीखेंगे। प्रूफ अगर समझ में आ जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। इसको आप जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूले का यूज ही अल्टीमेटली, क्योंकि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए, ए रेशियो, बी आई प्रोपोर्शन का साइन है, सी आ फिर रेशियो एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको जो है निकालना अगर होगा तो हम क्या करेंगे। यानी कि देखिए, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है। तो चौथा चीज आपसे पूछा है, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं कि भाई ए बट्टा बी। आ घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे ए बी सी कैपिटल लिखे हैं, आप छोटा क्यों लिख रहे हैं। हम छोटा इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि छोटा लिखने में थोड़ा आसान पड़ता है यहाँ पे। तो देखिए, ए बट्टा बी यहाँ पे लिख दिए, हम ये यहाँ चीज बा सी बट्टा एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आप तिरछा तिरछी गुणा होता है, आप पढ़े होंगे, तो यहां से निकलेगा कि ए एक्स बराबर बी सी एक रिजल्ट। तो आप यहां से एक ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। और यहीं पे अगर हम लोग एक्स को ज्यों का त्यों छोड़ दें और ए को गुणा में है एक्स के साथ, तो भाग में लाएं तो हमारा एक्स बराबर आ जाएगा बी सी बट्टा ए। एक रिजल्ट हमारा ये हो गया। ये पिछले वीडियो में चतुर्थानुपाति हमने बताया था और एक क्वेश्चन भी किया था, शायद एक दो क्वेश्चन भी किया था। चलिए, अब ये आप सीख गए, इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। अब आते हैं तृतीयानुपाति पे। चाहे एक सवाल सीख भी लीजिए कि भाई चतुर्थानुपाति अगर निकालने को कहे, मान के चलिए चार पांच और 12 का कहे कि चतुर्थानुपाति निकाल के बताइए, तो समझ लीजिए कि अगर ये है, ये बी है, तो ये सी है। कैसे ए बी सी? भाई शुरू में ए बी सी डी जब हम लोग पढ़ते हैं जे ए से जेड तक, तो शुरू में क्या आता है, पहिल का पे ए आता है, तो पहिल का पे यहाँ पे नंबर क्या दिया है, चार दिया है, तो इसको ए इसलिए मानेंगे। दूसर का पे क्या दिया है, बी दिया है, तो दूसरे नंबर पे क्या होता है ए बी सी डी में, बी होता है, तो इसलिए हम बी मान लेंगे। तीसरे पे सी होता है तो सी हम इसको मान लिए हैं। तो देखिए, बी सी बटा ए आपने अभी सीखा, तो क्या करेंगे, 12 × 5/4, और जब कट जाएगा, कटाने लग रहेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करना है। तो देखिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा हमारा इसका चतुर्थानुपाति आंसर। अगर पूछेगा कि 4, 5 और 12 के चतुर्थानुपाति निकालिए, तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तृतीयानुपाति पे। तो देखिए, तृतीयानुपाति का कुछ इस तरीके का होता है नजरिया। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे अगर ये ए है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी। आ देखिए, बी यहाँ भी है तो बी बट्टा एक्स। तृतीयानुपाति पूछा है आपसे, हम एक्स क्यों माने हैं कि एक्स पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्स बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। कैसे, तिरछा तिरछी गुणा होता है, आ एक्स बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बट्टा में ए। यह हमारा हो जाएगा जो है क्या चीज, तृतीयानुपाति निकालने का फॉर्मूला। एक रिजल्ट आप इसको भी मान सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन को शॉर्ट करने में करते हैं। आ इसी चीज से तैयार है, काहे कि हम ए को छोड़ दिए हैं, सॉरी एक्स को छोड़ दिए हैं और ए को नीचे लेके चला है, तो बी स्क्वायर बट्टा ए हो गया है तृतीयानुपाति का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे सवाल किस तरीके का बनेगा, मान के चलिए कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप तनी बताइए कि 12 और 18 का तृतीयानुपाति क्या होगा, 12 और 18 का तृतीयानुपाति क्या होगा। तो आप क्या करेंगे,
कि भाई बी स्क्वायर बटाए है, यानी कि ये है तई बी है, यानी कि 18 × 18 हम लोग इसको लिख सकते हैं, बट्टा में 12 लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि 18 × 18 गुना करके बी स्क्वायर करके ऊपर नहीं लिखिएगा, काहे कि कटाना ही ना है बाद में, तो काहे के लिए हम एक बार पूरा गुना कर लेंगे, एक बार फिर बटाएंगे तो उससे कैलकुलेशन लंबा होगा। और यहाँ पे तो आप कर भी लेंगे, हो सकता है अगर दे दे 153, तो 153 का स्क्वायर करना कितना जो है आपके लिए मुश्किल होगा, और फिर 12 से भाग देना, तो इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, गुना में इसे लिख दीजिए और फिर कटाइए और तब उसको जो है आंसर फाइनल दीजिए। तो देखिए अब कटाते हैं, कटने लायक है तो नहीं, कटने लायक होता तो छोड़ देते। तो 6 से 3 बार में 18, 6 से 2 बार में 12, फिर 2 से 9 बार में जो है कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऊपर 9 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा इसका तृतीय अनुपाति। इतना समझ गए तो बताइए। अब चलते हैं माध्यानुपाति पे। माध्यानुपाति जो है कुछ इस तरीके का दिखता है कि अगर कहेगा a बट्टा यहाँ पे x इसको ले सकते हैं, क्या है कि a रेशियो x है, यहाँ पे समानुपात का साइन है, x बट रेशियो b है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना a बट्टा x, आ इसको क्या लिख सकते हैं, x बट्टा b लिख सकते हैं। बोलिए तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, आप खुद बताइए, a में b से गुना होगा तो ab हो जाएगा, आ ई अगर x जो है स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, आ ए बी पे रूट आ जाएगा, तो एक्स बराबर रूट ए बी हमारा हो जाएगा माध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला। तो इस सब को जो है आपको याद रखना है। अब देखिए आ इसका भी इस्तेमाल हम लोग कई जगहों पे करेंगे कैलकुलेशन को जो है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन आप मेनली सीखते आए हैं कि भाई केवल एक्स बराबर रूट ए बी होता है, तो आप केवल यही याद रख सकते हैं। तो देखिए अगर कहेगा आपसे कि भाई तनि बताइए 12 और जो है 3 का आप तनि बताइए कि माध्यानुपाती किया होगा, तो खट से बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा, बोलिए क्या करना है। ए अगर 12 है, बी अगर 3 है, तो कुछ नहीं करना होता है, 12 × 3 आ रूट में ले लेंगे, तो 12 × 3 = 36, और 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। माध्यानुपाती निकालने का ये तरीका, ठीक है। ये सब आसान आसान सवाल इस वीडियो में हम डाल रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में आए, कुछ कठिन कठिन सवाल भी पॉइंट पे, क्या इस कैसे बनाएंगे, क्या हम पूरा सवाल करेंगे, मान के चलिए कि कभी दे दिया 15.3 × 18.8 तो उसको कैसे करेंगे, चाहे 2.4 × 8.8 करके दे दिया और उसका कहा कि तनी माध्यानुपाती निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे, पूरा गुना भाग करेंगे, इतना नहीं करेंगे। अगले वीडियो में आप जो है देखिएगा उसको, आप तब तक ये सीखिए कि फॉर्मूला क्या होता है और निकालते कैसे हैं इसको। 3 चीज सीख गए आप, क्या क्या सीखे कि भाई चतुर्थानुपाती आप सीख गए, बोलिए फिर उसके बाद आप तृतीय अनुपाती सीख गए, उसके बाद आप माध्यानुपाती निकालना सीख गए, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आते हैं मिश्रानुपात पे। मिश्रानुपात क्या चीज है भाई, तो देखिए मिश्रानुपात कोई चीज है नहीं, जितना सुनने में कठिन लग रहा हो उतना ही ये आसान है। मिश्रानुपात मतलब बाहर वाला ऐसे गुना और अंदर वाला अपने से गुना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई AD बराबर BC ऐसे अगर रहे तो E जो है क्या होता है, मिश्रानुपात है, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स रेशियो। अब इस पे भैया बात हुआ कि सवाल किस तरीके का आएगा, तो सवाल देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, कह देगा कि 4 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ जी हाँ, तो कह देगा कि 4:5 समानुपात 6:, यहां वाला चीज गायब कर देगा, कह देगा ये सब मिश्रानुपात में है, मिश्रानुपात में है, तो कह देगा कि x का वैल्यू बताइए, चाहे क्या करेगा कि कुछ ऐसा कर देगा
कि इसी एक्स को जो है कुछ दे देगा, मान के चलिए कि यहां पे हम कर दिए चार, यहीं पे कर दिए, ठीक है, कह देगा आपसे कि तन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स डाल के कह देगा आपसे कि क्या होगा, तनी जो है बताइए तो, ठीक है। इस तरीके का सवाल जो है बनता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशियो ऐसा पूरा बनाइए के दे, साफ साफ भी कई बार कह सकता है कि चार ऐसे दे देगा, चार पांच छ और एक्स, कह देगा कि मिश्रानुपात में है तो कह देगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे एक्स डाल के गायब करके कुछ भी कर सकता है इसमें, तो जो है यहाँ पे अगर ई एक्स दिया है, एक सेकेंड ये उल्टा लिखा गया है,